हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आप भी पुरानी मिठाई खा के हो गए हैं बोर, तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ और। तो ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं चॉकलेट वाले नट्स और साथ ही बनाए हैं नारियल और चॉकलेट के लड्डू। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल नारियल का बुरादा, कुछ ड्राई फ्रूट और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी और इसको मेल्ट होने के बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे ताकि ये हल्के क्रंची हो जाएं। इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती हैं दोनों डिशेस। इस दिवाली ज़रूर बनाइए, दिवाली भैया दूज सबको खिलाइए। तो ये देखिए, इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि ये हल्के क्रंची हो जाएं और टेस्टी फ्लेवर दें। तो 2 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पे हमने कर लिया है और अब डाल देंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश तो जल्दी हो जाती है इसीलिए हमने सबसे एंड में डाली है। इसको भी हम कर लेंगे रोस्ट। ये देखिए फूल गई है, बस इसको निकाल लेंगे अब। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली दोनों स्वीट्स हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये निकाल लिया है और जो अब हमारे पास नारियल का बुरादा था उसको हम हल्का सा भून लेंगे इसमें बचे हुए घी में। इसको भी बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका हल्का कच्चापन निकल जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद देखिए इसका कच्चापन निकल गया है और घी को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब बस इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 1/2 कटोरी बूरा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं किस तरीके से। तो ये देखिए, ये निकाल लिया है मैंने एक प्लेट में और इसके अंदर डाल दिया है कोको पाउडर 1 बड़ा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, तो इसी स्टेज पे आप इसके प्लेन लड्डू भी बना सकते हैं इसी तरीके से। और चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और चॉकलेट मेल्ट करने के बाद और इसके अंदर मैंने नारियल का जो बुरादा था ये ऐड कर दिया है और जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए। कुछ मैंने निकाल के उसको डिप करके एक प्लेट में निकाल दिया है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। मतलब डिप करें और बस निकाल लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसके हम लड्डू बना लेंगे। क्विक एंड इजी रेसिपी है और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो इस तरीके से इसके लड्डू बांध लेंगे हम। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं नारियल चॉकलेट के लड्डू, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ ऊपर हम हल्का सा इस पर बादाम लगा देंगे इस तरीके से और प्रेस कर देंगे बस। और इसी तरीके से अपने सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। और ये देखिए चॉकलेट में डिप करे हुए हमारे नट्स बनके तैयार हैं। अब आप चाहें तो इसे शेप दे सकते हैं या इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो हल्की सी जो ये काजू है देखिए इसका हम शेप दे देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और फेस्टिवल सीजन को इंजॉय कीजिए। थैंक यू।